नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों बॉलीवुड अभी तक एपिसोड नंबर 15 में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली खबर अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी और फराह खान के बारे में। दरअसल दोस्तों बोमन ईरानी का परसों बर्थडे था, तो इस उपलक्ष्य में पेरिस गए हुए थे। पेरिस में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और दोस्तों इस अवसर पर उनके साथ फराह खान तथा अभिषेक बच्चन भी नजर आए। दरअसल फराह खान ने एक वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे और उसमें तीनों कलाकार दिखाई दे रहे हैं। फराह खान और अभिषेक बच्चन बोमन ईरानी के अच्छे खासे दोस्त माने जाते हैं और अमिताभ बच्चन से भी बोमन ईरानी के बहुत अच्छे रिलेशंस है। अमिताभ बच्चन ने भी उनको बर्थडे की बधाई दी है और अजय देवगन सर ने भी उनको बर्थडे विश किया है, जिसमें वे रनवे 34 में बोमन ईरानी के साथ नजर आए थे। तो अभिषेक बच्चन वहां दिखाई दिए, तो अब ये कयासों का बाजार गर्म हो गया दोस्तों कि क्या वे वहां पे फिर इसमें केवल बर्थडे मनाने के लिए गए या किसी फिल्म की शूटिंग भी वहां पे हो रही है। क्योंकि फराह खान ने अभी कहा था कि वे फिल्म बनाएगी, एक तो सत्य पे सत्ता की वे काम कर रही है जो बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और मूवी थी चुपके चुपके, बहुत ही कल्ट क्लासिकल फिल्म 1977 में शायद आई थी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी की, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म। तो वो डेविड थे उसके अंदर और दोस्तों असरानी भी प्रमुख भूमिका में थे। काफी कॉमेडी से भरपूर मूवी थी, शर्मिला टैगोर, जय माधुरी। तो डेफिनेटली इस फिल्म का एक रीमेक बनाने की कोशिश हो रही है फराह खान के द्वारा। तो क्या उस फिल्म के सिलसिले में वहाँ गए या अन्य किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त है, ये तो देखने वाली बात जरूर होगी। अभिषेक बच्चन जो अभी हाल ही में अमेरिका से सुजीत सरकार की फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल कंप्लीट करके लौटे हैं, तो क्या वहाँ पे पेरिस में कोई दूसरा शूटिंग शेड्यूल है उनका, अभी ये सब कुछ मीडिया में क्लियर नहीं हो पाया है। तो जैसे खबर आएगी आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों जो सेकेंड खबर है वो दोस्तों बॉबी देओल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बॉबी देओल इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। एनिमल फिल्म में जिस प्रकार का उन्होंने अबरार हक का जो रोल प्ले किया है, नेगेटिव रोल, और विलेन का जिस प्रकार से जमालू जमालू सॉन्ग उनकी जो एंट्री होती है और उसके बाद में चाहे 5-7 मिनट का ही रोल हो, लेकिन जबरदस्त उनका एक फाइट सिक्वेंसेज है रणवीर कपूर के साथ, तो छा गए हैं बॉबी देओल। हालांकि बॉबी देओल के प्रशंसक काफी नाराज है कि उनको काफी कम रोल दिया गया। तो दोस्तों इसी सिलसिले में धर्मेंद्र जी ने भी उनकी काफी तारीफें की है, अपने बेटे को इतने खतरनाक रोल में देख करके ना केवल सनी देओल सर ने बल्कि धर्मेंद्र जी ने भी काफी प्राउड फील किया है और कहा है कि बॉबी रॉक्स, बॉबी ने टैलेंटेड एक्टर है और जिस प्रकार से उसने एक्टिंग की है इसमें तो बहुत ही जबरदस्त काम किया। आपको बता दूं बॉबी देओल ने काफी मेहनत की इस रोल के लिए और करीब 1 महीने तक इस म्यूट रोल के लिए उन्होंने मेहनत की है, काफी जबरदस्त रूप में वे नजर आए हैं। तो डेफिनेटली उनके करियर को एक बूस्ट मिलने वाला है इस फिल्म से। दोस्तों बात करें खबर नंबर 3 की, तो खबर नंबर 3 भी दोस्तों बॉबी देओल से ही रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, बॉबी देओल सर अपने प्रशंसकों का हाल जानने के लिए, अपने प्रशंसकों का एनिमल के प्रति रिएक्शन देखने के लिए गेटी गैलेक्सी थिएटर मुंबई गए थे कल, और उन्होंने वहाँ पे देखा किस प्रकार से प्रशंसक जब उनकी एंट्री होती है तो किस प्रकार से तालियां पीट रहे थे, सीटियां मार रहे थे, और क्या जबरदस्त माहौल था, क्या जबरदस्त उनको रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे। उन्होंने प्रशंसकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने मेरे रोल को पसंद किया, आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ ही दोस्तों उन्होंने मतलब वो अपना जो अपना स्टाइल है जिसमें से वो उनका जो चुप करने वाला जो अंदाज है वो भी करके वहाँ पे दिखाया, तो काफ़ी भीड़ थी प्रशंसकों की और बॉबी देओल को अपने बीच पा करके उनके फैंस भी काफ़ी खुश थे। बॉबी देओल ने बताया भी, मैंने काफ़ी मेहनत की इस रोल के लिए, करीब 1 महीने तक मतलब इस रोल की मैंने कोशिश की करने की, और रोल कितना भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, और कैसा भी कैरेक्टर हो, बुरा हो, अच्छा हो, जब आप एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक्टर के तौर पर इसको करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म ही ऐसी थी इसमें खून खराबा है, हर कोई किसी को मानना चाहता है, तो एक ज़बरदस्त रोल है। इस तरह से बॉबी देओल ने अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किए हैं, तो काफ़ी अच्छी तस्वीरें कुछ सामने आई है वहाँ से जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेटी गैलेक्सी थिएटर मुंबई से, आप भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, खबर नंबर 4। तो दोस्तों खबर नंबर 4 है, आपको बता दूँ सैम बहादुर का जो कलेक्शन के बारे में बता दूँ कि एनिमल की आंधी के सामने भी सैम बहादुर टिकी हुई है अभी तक। तो जिस प्रकार की सुनामी, जिस प्रकार का तूफान, टोर्नेडो एनिमल का चल रहा है, उसके बीच में सैम बहादुर ने 3 दिन में 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। या दोस्तों पहले दिन फिल्म का कलेक्शन जो आया था वो करीब करीब 6.25 करोड़ का था, सेकंड दिन 9.50 करोड़ का कलेक्शन आया है, और दोस्तों तीसरे दिन फिल्म ने करीब 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है, 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन फिल्म ने तीसरे दिन किया है, तो अच्छा कलेक्शन ये कहा जाएगा। कल थिएटर ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी थी, मॉर्निंग शो में करीब 35% की थिएटर ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून शो में 61, इवनिंग शो में 74% की, और नाइट शो 54% पे बंद हुए।
तो डेफिनेटली ये कलेक्शन अच्छा कहा जाएगा। 6.25 प्लस 9 करोड़ का आया ऑफिशियल रिपोर्ट सेकेंड डे की, और थर्ड डे को करीब 10.30 करोड़ की रिपोर्टिंग है, तो 25 करोड़ के आसपास इसका 3 दिन का नेट कलेक्शन हो गया, तो 50 करोड़ के आसपास फिल्म का बजट बताया जा रहा है। तो ठीक है, फिल्म कुल मिलाकर के अपना कवर कर सकती है बजट बॉक्स ऑफिस पर, हिट साबित हो सकती है। हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस मिला है कि फिल्म ठीक ठाक है, कई जगह स्लो है, कुछ ज़्यादा बोर भी करती है, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक है फिल्म। लेकिन विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ हुई है, उन्होंने जिस प्रकार से मानिक शाह के रोल को जीवंत कर दिया है, और आज ये फिल्म कम से कम भी दोस्तों 4 से 5 करोड़ की रेंज में कलेक्शन करने वाली है, जो ठीक ही कहा जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, खबर नंबर 5 का, जिसका मैंने अलग से भी एक वीडियो बना के आपको दिया है। हाउसफुल 5 की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है, बहुत बड़ी फिल्म है, साजिद नाडियाडवाला की फिल्म है, अक्षय कुमार रितेश देशमुख के साथ ही अभिषेक बच्चन बॉबी देओल जॉन अब्राहम जैसे सितारे इस फिल्म में हो सकते हैं। और पहले दिवाली 2024 पर रिलीज होने वाली थी, अभी फिल्म नई रिलीज डेट होगी इसकी 6 जून 2025, क्योंकि फिल्म का बहुत बड़ा VFX वगैरह का काम बाकी है, इसलिए मेकर्स ने डिसाइड किया है। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय गुरुनाथ।